वेलकम बैक माय चैनल। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और कल गुड़ी पाड़वा था तो मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे ना, तो मेरी चक्कर में मेरे भाभी कजन भाभी आ गई थी, उनकी बच्ची, उनकी देवरानी की बेटी, बहुत सारे लोग आए थे। तो मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था और गुड़ी पाड़वा बहुत अच्छे से मनाया, लेकिन वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि बादल बहुत आ गए थे। तो आज सेकेंड डे है और अभी बच्चों के लिए है ना मैं ये वाटरमेलन काट के दे रही हूँ क्योंकि अभी खाने में टाइम है, तो बहुत दिनों से ला के रख दिए थे। तो गाइज सोचा कि चलो आपके साथ बात करते करते काट लिया जाए। और भी पूजा वगैरह सब हो गई है, बस ये बच्चों का भी दे देते, ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी 12 बजे खाने में थोड़ा टाइम है। तो मैं क्योंकि बारिश का ही मौसम की इधर भी है क्या, रोज़ बारिश आ रही है लेकिन ठंडा गर्म है, हमारे इधर बिल्कुल गर्मी नहीं हो रही है, बिल्कुल पसीना नहीं जाता है। फिर भी बच्चों के लिए ये वाटरमेलन बहुत दिनों से ला के रख दिया था, तो मैं क्या चलो अभी काट लेते हैं। तो ठीक है फिर बच्चे अभी खा लेंगे, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैं हमारे यहाँ ना इतने सारे फूल लगते हैं तो पूजा के लिए है ना मैं फूल तोड़ रही थी, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर ली हूँ क्योंकि बाहर की है ना बहुत सारी वॉइस आ रही थी, तो इसीलिए मैं अभी आपके साथ है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इतने सारे फूल लगते हैं, ये पेड़ है ना छोटे थे तब से फूल लगते, फिर गाय खा लेती थी तो एक दो हर साल एक दो, लेकिन इस साल है ना बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं। और नव दुर्गा में जो पूजा करने के लिए है ना जितना चाहिए लोग भी मांगते हैं तो उनको भी देते हैं, मतलब इस साल फूलों की कोई कमी नहीं। गुलाब का भी फूल है और सब फूल इस साल बहुत आ रहे हैं, तो हर दिन है ना माता जी पे रोज चढ़ रहे हैं, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हरियाली, लेकिन है ना इधर हमारे इधर सांप बहुत, आज मैं वॉइस ओवर कर रही ना तो आज है ना हमारे बाउंड्री पे सांप चल रहा था, मतलब इतना भयानक हम लोगों को रहना ही मुश्किल हो गया। इसके चक्कर में ना बहुत डर लगता है कभी घर में ना घुस जाए, और छोटे सांप हो तो चलो, लेकिन इतना लंबा लंबा सांप रहता है कि बहुत ही डर लगता है, पता नहीं ऊपर वाले के भरोसे हम यहाँ पे रह रहे। क्या हो गया शायद? तो गाइज अभी मैं डायरेक्ट आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ ओ फूल तोड़े। और अभी आज शुक्रवार है और पता है क्या हुआ, बहुत सारी इतनी बारिश बापरे, बारिश से परेशान हो गए, इतने बादल गरज रहे थे, बहुत बादल गरज रहे थे। और अभी बच्चों के 12:30 परी गई है स्कूल, तो रात को इतनी बारिश आ गई, नींद भी थमकी हुई नहीं थी तो लाइट भी चली गई थी। ऐसा लग रहा है कि बारिश मतलब गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, बारिश के मौसम में गर्मी के मौसम में बारिश आ रही है इस टाइप का हो रहा है। और डिंकी नहीं गई स्कूल, ये पढ़ाई कर रही है, परी गई है आज, तो बस अभी आती होगी, 12:30 हो गए, लंच बनाना बाकी। नाश्ते में डिंकी ने चाउमीन बना ली थी तो वही है, अब वो लोग खा लेंगे। तो मैं सोच रही थोड़ा सा फ्राई चावल मतलब पुलाव भी बना लूँ, क्योंकि मुझे ना खाना बनाना बहुत मतलब दो, जब घर में कुछ सब लोग रहे तो मज़ा आती, लेकिन जब बच्चे रहते तो ऐसा लगता है कि फ्राई चावल या कुछ कर लो ऐसे ये हो जाती है। और बताइए सब ठीक है कैसे, आप सबके नवरात्रि कैसे जा रहे हैं? हम लोगों के तो बिल्कुल अजीब से जा रहे हैं, बारिश में लगता ही नहीं। और कूलर लगाया उस दिन, मैंने ब्लॉग डाला था उस दिन कूलर लगाया, लेकिन कूलर चालू ही एक दो दिन चालू किए क्योंकि इतनी ठंड लगती है। देखिए आपको कंबल, अभी भी हम लोग कंबल अभी रखे नहीं, मैंने रखे थे, अभी भी हम कंबल लगे सोते हैं। तो बस देखते हैं आज क्या बनाना है, बहुत बोरिंग लगता है यहाँ पे गर्मी में, ऐसा लगता है थोड़ा गाँव वाँव घूम के आ जाओ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की वजह से नहीं जा सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते, घर में उदासी जैसा लगता है। वो कार्टून ने क्या वो सामने बाल रहे थे, अरे वो टोपा इंग्लैंड की नहीं रहती है क्या? परी आ गई, छोटी गल लग उड़ रही है, उसकी छोटी उड़ क्यों रही है, पर मेरी तो नीचे परी का दिखा कैसे बनाया अलग दिख रही है, दिखी नहीं, मार दूंगी, मारने दिखा तो, इसमें कैसे दिख रही, तो बस ना परी बनी कार्टून अच्छी लग रही परी, वो दांत ऐसे, वो हिरण ने रहते हैं, चश्मा भी मैच कर रहा है, हटो जा चला के खाना बनाना पड़ेगा। यस बना ले, हाँ वहाँ पे मैं तो खाना बना रही, चल हाथ पैर धो ले, चाउमीन खा ले, ठीक है, अच्छा रहा ना, बेस्ट दिन, मेरे को भी भूख लगी, नहीं वो अभी खा लेगी थोड़ी देर, उसके बाद फिर वो खा लेगी, फिर तरबूजा काटती हूँ।
ये तोता है ना, इसके ऊपर है जो जो गेट दिख रहा है ना, वो बाउंड्री पे है ना, बहुत बड़ा सांप चल रहा था। तो ये तोते, ये गिलहरी, ये पंछी है ना, यहाँ पे अंडे जैसे तोते को खाने के लिए आते हैं, उनके अंडे खाने के लिए आते हैं। तो पिछले 2 साल से हम लोगों को, मतलब हमारे यहाँ ही नहीं, हर मतलब हमारे यहाँ तो आज ही दिखा है, लेकिन अंदर आता है ना, वहाँ से जहाँ तोता दिख रहा है वहाँ से वो निकल जाता है, यहाँ से थोड़ी सी गैप है तो। लेकिन बाजू के वाले के यहाँ से ना पेड़ पे चढ़ता है, इतने भयंकर भयंकर, मतलब देख के अभी तो हम लोगों को कुछ नया सा नहीं लगता, लेकिन पहले बहुत डर लगता था। तो ये तोता आ गया है ये खाने के लिए, जो चावल डालते हैं ना, तो चावल और ये गिलहरी वगैरह सब आते हैं, पशु, मतलब ये क्या है, फैक्ट्री वाली ज़मीन है, इधर फैक्ट्री है और ये क्वार्टर है, तो यहाँ पे अब सब चल, मतलब पूरा जंगल एरिया टाइप का, नेचुरल हवा है, सबके घर में बड़े बड़े पेड़ पौधे, ही चक्कर में ये सांप हम लोगों को। लेकिन फिर भी डर लगता है भाई, वो लोग भगवान मानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान के लिए तो डरना ही पड़ता है। तो आज अष्टमी के दिन है ना, हमको उनके दर्शन हुए और आ गई। क्या मिला? केला। तो गाइज आज डिंकी गई थी कन्या भोज के लिए और आज वो पूजा करने भी गई थी, और ये देखिए मेरा ड्रेस पहन के गई थी, सूट, जब माँ के बच्चों को आता है। हाँ, दुपट्टा बोल, पैर तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, ऐसे सीधे खड़े ना, मस्त लग रहे माँ अगर लगाए। और परी स्कूल गई है, नहीं तो परी भी जाती। तो क्या केला मिला? बच्ची आ रही थी। ओ, कूपी वो भी आई थी। अच्छा, वो दोनों स्कूल गई है।